तो व्हाट्सअप दोस्तों, मेरा नाम है साहिल सिंह और आप देख रहे हो अपना टेक्सटाइल ट्रिक्स। तो मेरे को व्हाट्सअप में मैसेज आया, भाई EDM कैसे यूज़ करते हैं, मेरे को उसके ऊपर एक वीडियो बना दो। अब भाई लोग, ये EDM क्या है? आप EDM के ज़रिए यूज़ करके, आप जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पास, यहाँ मैंने EDM पहले डाउनलोड किया हुआ। ओके, अब भाई लोग इस एप्लीकेशन को यूज़ करके ना, बिना पॉज और रेज्यूम, जी हाँ भाई लोग, बिना करप्शन का आप भाई लोग किसी भी फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। आप अगर ऐसे क्रोम या कोई और ब्राउज़र में पॉज करते हो और अगर आप लोग उसको अगला दिन रेज्यूम करते हो, तो क्या होता है कि वो करप्ट हो जाता है, वो वापस से ऑन नहीं होता है। आपको क्या करना पड़ता है, शुरुआत से ऑन करना पड़ता है। ओके, मगर ये एप्लीकेशन का यूज़ करके ना, आप मान लीजिए आज किए 100 MB, उसके बाद किए 500 MB तक, उसके बाद किए 700 MB तक, तो 3 दिन आप डाउनलोड किए, उसके बाद भाई लोग आप पॉज किए। ओके, तो आप भले अगला दिन भी अगर आप लोग रेज्यूम करोगे तो वो रेज्यूम हो जाएगा, वो करप्ट नहीं होगा। ओके, ऐसे आप लोग खुद भी भाई लोग ट्राई कर लेना। अगर आप लोग लंबा लंबा साइज का फाइल अगर आप लोग पॉज कर दोगे तो क्या होगा, वो वापस से रेज्यूम नहीं होगा, वापस से वहाँ से ऑन नहीं होगा। मगर भाई लोग, ये जो EDM है ना, आप इसको यूज़ करके जहाँ से आप पहले डाउनलोड किए थे ना, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे घर में कोई भाई लोग ब्रॉडबैंड नहीं है, तब भी भाई लोग मैं इसी को यूज़ करके GTA 5 तक का गेम को डाउनलोड किया था। सोच सकते हैं भाई लोग कितना अच्छा ये है। तो आप लोग भाई लोग इसको ज़रूर यूज़ करना। तो आज की इस वीडियो में हम बात करें कि EDM को भाई लोग कैसे यूज़ करते हैं। मेरे को बोले थे एक जन की EDM को कैसे यूज़ करते बताने के लिए। ओके, तो भाई लोग कैसे यूज़ करते आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो भाई लोग, आप देख रहे हो टेक्सटाइल ट्रिक्स और आपका मेरे इस वीडियो में स्वागत है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है भाई लोग, सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नहीं हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर वीडियो पसंद आए ना तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर का एक लाइक ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। तो भले चैनल सब्सक्राइब कर लो और अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक करो। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे जो लंबे लंबे जो साइज़ के फाइल्स होते हैं उसको पॉज करके डाउनलोड किया जाए, जिससे कि भाई लोग करप्ट भी नहीं हो। ओके, और EDM कैसे यूज़ करते हैं, चलिए उसके ऊपर ही बात करते हैं। हालाँकि भाई लोग, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बहुत पहले पिछला साल बनाया हुआ था, बट वो वीडियो मैंने अच्छा से बोला उल्ला उतना अच्छा से नहीं था। ओके, तो मैं भी उतना उस समय न्यू था, तो मैंने सोचा कि चलो भाई इसको ब्रेक पार्ट टू अच्छा से बना दिया जाए। उस समय मैंने उतना अच्छा से नहीं बताया था इसीलिए। ओके, तो सबसे पहले भाई लोग आपको क्या करना है कि अपना जो प्ले स्टोर से है ना, प्ले स्टोर से जो EDM है उसको डाउनलोड कर लेना। मैं बता देता हूँ कहाँ पर EDM है। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये वाला जो EDM है, आपको क्या करना है, इसको डाउनलोड कर लेना है। या मेरा तो वैसे अपडेट नहीं है। ओके, तो मैं अपडेट बाद में कर लूँगा। ओके, तो आप लोग क्या करना है भाई लोग, इसको डाउनलोड कर लेना, याद से ये जो EDM है इसको डाउनलोड कर लेना। ओके, एडवांस डाउनलोड मैनेजर इसका नाम है। ओके, तो अब चलिए जानते हैं कि कैसे डाउनलोड करते हैं लार्ज साइज के फाइल्स को। तो चलिए भाई लोग जानते हैं कि आखिर ये EDM को कैसे यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोग मेरे को ये भी बोल रहे थे कि EDM भाई काम नहीं कर रहा, तो वो सबके ऊपर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जिसको भी आप लोगों को भाई लोग डाउनलोड करना है, उसको क्या करना पड़ेगा, आपको क्रोम में ओपन कर लेना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं इसको क्रोम में ओपन कर लिया। ये कुछ 200 MB का है। मैं बता दूँ, मैं इसको यूज़ करके बहुत लंबा लंबा फाइल को डाउनलोड किया हुआ हूँ। ओके, अभी मेरे पास तो वैसे कुछ अवेलेबल तो है नहीं डाउनलोड करने के लिए, तो इसलिए मैं भाई लोग इसको ये 200 MB वाला डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ। आप लोग किसी को भी यूज़ कर सकते हो। अभी आप जैसे कि देख सकते हो, ये आप जैसे कि देख सकते हो मेरे पास ये वाला है, मेरे को इसको भाई लोग डाउनलोड करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ 3 लाइन्स में क्लिक कर दूँगा, यहाँ पर शेयर, और शेयर में आपको यहाँ पर मोर पे चल जाना है। अब यहाँ पर ही आपको अपना EDM को सेलेक्ट कर देना है, EDM में क्लिक कर देना, इस टाइप का खुल कर क्या आएगा। यहाँ पर आपको ब्राउज के ऊपर क्लिक कर देना है, जैसे कि आप इस पर देख सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली भाई लोग आपको ब्राउज़र के ऊपर लेकर चल जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, बस EDM को ओपन एक बार फिर कर लेना। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ही मेरे पास है फ्री पैक ये वाला आ चुका। अब मैं जैसे ही भाई लोग इसमें क्लिक कर दूंगा, अभी ये क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली जो ब्राउज़र में है वो ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हो मैं यहाँ पर डाउनलोड के ऊपर जैसे ही भाई लोग इसमें क्लिक करूँगा, अब ये क्या होगा देख सकते हो, अभी हमारा ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी देखिएगा भाई लोग, डाउनलोड के लिए मांगने लगा। अब आपको यहाँ पर ही स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं स्टार्ट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर ही देख सकते, यहाँ पर ही आप एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर ही 2 ठो है, 1 ठो है फिनिश्ड, 1 ठो है ये वाला। फिनिश्ड वाला में अगर आप लोग जाओगे तो फिनिश में कुछ नहीं रहेगा, तो मत बोलना कि भाई मेरा डाउनलोड स्टार्ट नहीं हुआ। तो फिनिश वाले टैब में नहीं, आपको ये क्यूरिन वाले टैब में जाना है, ये वाले। तो मैं इसमें चल गया। अब यहाँ देख सकते हो मेरा ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। और भी यहाँ बहुत सारे ऑप्शन हैं। बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे थे कि भाई मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, मेरा डाउनलोड हो रहा मगर दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ पर आपको इसमें क्लिक कर देना है। अगर भाई लोग आपका ये फ़िल्टर वाला ऑफ रहेगा तो भी आप लोगों को दिखाई नहीं देगा, जैसे कि देख सकते हो दिखाई दे रहा नहीं दे रहा। तो फिर आप लोग बोलोगे भाई मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, डाउनलोड हो रहा मगर डाउनलोड हो रहा, जैसे कि देख सकते हो मैं डाउनलोड हो रहा मगर मेरे इसमें दिखाई नहीं दे रहा। तो भाई लोग इसके कारण भी होता है, आप लोगों को दिखाई नहीं देता, आप लोगों को ऑल पे कर देना है। ओके, तो सब चीज़ का ध्यान रखा। अगर आप लोगों को
नहीं हो पा रहा ना, सच बता रहा हूँ, अगर आप लोगों को नहीं हो पा रहा है ना तो मेरा इंस्टाग्राम का नीचे लिंक है, आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज करना, मैं आप लोगों को पर्सनल बता दूंगा। अब फॉर सपोज़ आप लोगों का आधा डाउनलोड हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हो मेरा 11 MB डाउनलोड हो गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ही नेट को बंद कर दूँगा। अब जैसे ही मैं नेट को बंद करूँगा तो अभी देखना भाई लोग, जो हमारा जो है वो एक्सपायर हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो। अभी तो वैसे हुआ नहीं, तो अभी इसको हटा दिया, अब ADM को ओपन किया, तो अभी क्या हो गया, ये भाई लोग पॉज हो गया है। ओके, अब ये पॉज हो गया है। अब अगर मैं इसको ऑन करने जाऊँ तो अब अगर जैसे कि मैं ऑन करने जाऊँ, ये तो वैसे मिड वेटिंग फॉर नेटवर्क दिखा रहा, आप लोगों का नहीं होता है आप लोग देख लेना। फिर मैं यहाँ पर ही मोबाइल डेटा में जैसे ही क्लिक करूँगा तो अभी देखना भाई लोग, मेरा वहीं से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जी हाँ भाई लोग, अभी देख सकते हो यहाँ पर एक मेरे को एक एरर देखने को मिल गया, सर्वर एरर। यहाँ पर ही जैसे मैं सर्वर एरर में, तो यहाँ पर आपको फिनिश टैब में ये आ गया और बोल रहे हैं कि डाउनलोड नहीं हुआ। अब बहुत सारे लोग ये सोचे कि भाई ये तो ADM फेक है, काम नहीं करता। तो अब आप लोग बोलोगे, तो अब मैं आप लोगों को कैसे फिक्स करना है मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ। आपको क्या करना पड़ेगा, वापस से उस लिंक को ओपन करना पड़ेगा, या तो आप चाहे तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप चाहे तो लिंक को इसके ब्राउज़र से भी ओपन कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर इसका ब्राउज़र का भी लिंक दिया हुआ है, आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हो, मगर मैं यहाँ से ओपन नहीं करूँगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ही वो लिंक को पहले वापस से ओपन करूँगा। ओके, वापस ओपन करने के बाद मैं यहाँ से क्या करूँगा, ADM में शिफ्ट कर दूँगा, यहाँ से स्टार्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। अब यहाँ से मैं वापस देख सकते हो, अभी मेरा ये ब्राउज़र वापस ओपन हो गया। अब मैं क्या करूँगा कि ये जो मैं डाउनलोड कर रहा था इसमें वापस से क्लिक कर दूँगा। अब देखना भाई लोग, जो हमारा डाउनलोड था वही 12 से 15 MB के बीच से वापस से स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि देख सकते हो 11 MB से वापस से यहीं से स्टार्ट हो गया। ये आप लोग भाई लोग ख़ुद भी ट्राई कर सकते हो। अब बहुत सारे लोगों को कुछ कुछ एरर ऐसा फेस करना पड़ेगा, ये सब भाई लोग दरअसल एक एरर नहीं है। ओके, ये सब फिक्स हो जाता है, वो लोगों का आप लोगों को नहीं आ पाता होगा, जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम होता होगा। अगर आप लोगों का प्रॉब्लम सच में हो रहा है ना, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का है लिंक, आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम मैसेज करना, मैं आप लोगों को पर्सनल भी बता दूंगा। तो उम्मीद है कि भाई लोग आप लोगों को पता चल गया होगा कि कैसे आखिर ये सब को यूज़ करते हैं, ADM कैसे यूज़ करते हैं, मैंने आप लोगों को बता दिया। कोई भी टाइप का एरर आए ADM में तो मेरे को डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम है, मेरे को तुरंत भाई लोग मैसेज करो, मैं आप लोगों को बता दूंगा। वीडियो पसंद आया तो भाई लोग वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पहली बार आए तो भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो भाई लोग फिर आऊँगा ऐसे नए वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय। तो भाई लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना।